ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हमारा सेकेंड डे का मतलब कि 2 मार्च का ईश्वरीय वरदान, जहाँ पे परमपिता परमात्मा हमें मन बुद्धि और संस्कार के मालिक बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। बनना कैसा है उसके लिए तो हमें ज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे हम संक्षेप में आज के वरदान में परमात्मा हमें किस प्रकार से क्या शिक्षाएं दे रहे हैं उसको हम समझते हैं। बाबा कहते हैं वरदान के शीर्षक में, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को निमित्त प्रमाण चलाने वाले। एक तो हो गया आत्मा के मन बुद्धि संस्कार, 3 शक्तियां जो कि सूक्ष्म है, जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन आप इन कर्मेंद्रियों को छू सकते हो। दोनों में अंतर है। हमने इनको चलाना तो सीख लिया, बच्चा पैदा होता है बचपन से ही आँख से देखना, कान चलाना, मुख से बोलना, ये तो सीख लेते हैं हम। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होना शुरू होता है, कुछ चीज़ें बोलना भले सिखाया जाता है हमें वो भाषा के अनुसार, तो इनको तो हम प्रैक्टिस करके चला लेते हैं। लेकिन किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या घर में भी कोई ये नहीं सिखाता है कि मन में क्या सोचना चाहिए और बुद्धि में कैसे निर्णय लेना चाहिए और मन बुद्धि को चलाना कैसे है। ये विद्या केवल हम कभी कभी तो पूरा जीवन निकल जाते हैं, हम सीखते नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये विद्या तो आपको ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। तो बाबा कहते हैं, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को निमित्त प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भवा। स्व के ऊपर राज्य करने वाले, विस्तार में चलेंगे। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा, बल्कि वो परमात्मा से सारा अटेंशन जोड़ती हैं और इन चीज़ों की उत्तेजना है ना, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा सुनना, बोलना, चटपटी बातें, तो ये सारी चीज़ों से जो मुक्त हो जाती हैं वो मन बुद्धि पे भी कंट्रोल और इन कर्मेंद्रियों पे भी कंट्रोल कर लेती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा, मेडिटेशन की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर में चलाती है, चाहे वो मन बुद्धि हो, चाहे वो ये फिजिकल ऑर्गन्स हो आपके। ना सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, ना सिर्फ ये फिजिकल, स्थूल मतलब फिजिकल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार जो कि हमारा माइंड हो गया, इंटेलेक्ट हो गया और हमारी हैबिट्स हो गई जो कि आत्मा की शक्ति है, भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा निमित्त प्रमाण चलते हैं। तो हमने कभी अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव थिंकिंग तो हम बोलते हैं, लेकिन अपने आप से पॉजिटिव बातें करना हमने कभी सीखा नहीं, कहीं सिखाया भी नहीं जाता है। तो ना कोई स्कूल खुला हुआ उस चीज़ के लिए और ना ही कोई पाठशाला में सिखाया जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में तो यही विद्या मिलती है आपको और ये चीज़ सिखाई जाती है कि माइंड को कैसे अपने ऑर्डर में लाया जाए, बुद्धि को कैसे अपने ऑर्डर में लाया जाए और कैसे चलाया जाए उसको। तो थॉट या संकल्प एक बीज है, कौन से बीज डालने ठीक हैं मन में और कौन से बीज नहीं डालने ठीक हैं ये भी हम सीखते हैं वहाँ पर। फिर बाबा कहते हैं, वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कर्म में लगाते हैं। तो अगर हम योग शक्ति को यूज़ करते हैं तो हम मन बुद्धि पर कंट्रोल कर पाते हैं और ये सारे जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं इन पर भी कंट्रोल होता है। जहाँ योग की कमी हुई वहीं पर हमारा क्या होता है, मन बुद्धि भी हलचल में आती है और कर्मेंद्रियां भी हलचल में आनी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं, औरों के साथ भी जब हम बातचीत में आते हैं तो हमारा कंट्रोल रहता है मन बुद्धि संस्कार पर और हम जो मन में आया बोल दिया, फिर बाद में पश्चाताप होता है, जो गलत सुन लिया हमने सुनना नहीं चाहिए था फिर पश्चाताप होता है, गलत देख लिया फिर पश्चाताप होता है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं जो कि एक आत्मा योगी होती है, कंट्रोल में होती है अपने सारे कर्मेंद्रियों के। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। तो उधर तक पहुंचना स्वराज्य अधिकारी 100% बनने के बाद में सपने में भी आपको किसी के प्रति गलत सोच, मन, गलत निर्णय लेना नहीं आ सकता। ये सब कुछ प्राप्तियाँ कैसे हों इसके लिए आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के साप्ताहिक कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ओम शांति।